सुनप्रदेश लंकापति वीराव तिर्विधि तरिय जलधिगम वीराव संकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति कलंकेश सुनौ रघुनायक कोटि शोषक तव सायक यद्यपि तदपि नीति यसि गाई विनय करिय सागर समझाई तो तुम्हार कुल गुरु जलधि करी उपाय विचार मिल प्रयास सागर तरी सकल भानुक पिधार सखा करी तुम नीक उपाय करिय दैव जो हो सहाय मंत्र नयन चिमन मन भावा राम बचन सुन अति दुख पावा नाथ दैव कर कौन भरोसा सोखिय सिंधु करिय मन रोसा आदर मन कहो एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा सुनत विहसि बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरो मन धीरा भगवत का सारसिक महान भाव भक्तिमती देवियों आपके सामने अभी ये पंक्तियां पढ़ी गई हैं वे उस अवसर के हैं जब भगवान श्री राम मानव की विशाल वाहिनी के साथ समुद्र तक पहुंच चुके हैं। लंका में जनक नंदिनी अशोक वाटिका में वंदिनी है राक्षसियों से घिरी हुई है। श्री हनुमान जी उस दृश्य को देखकर अत्यंत व्याकुल हुए थे और प्रभु से उन्होंने निवेदन किया कि जनक नंदिनी का कष्ट जो है कहने योग्य नहीं, अब तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए और लंका पर आक्रमण करके उन्हें यहाँ लाने का आप एक निर्णय करें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से ही कहा कि अब विलंब की आवश्यकता नहीं है, आप तत्काल बंदरों को आज्ञा दीजिए। और तब वह भगवान राम के साथ बंदरों का जो विशाल समूह है वो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है, किंतु अभी तो इस किनारे और यहाँ लंका में जनक नंदिनी है वहां के बीच में एक विशाल समुद्र लहरा रहा है जिसकी दूरी शत योजन की कही गई। प्रभु अपने प्रिय परिजन भक्त और मित्रों के साथ समुद्र पर बैठे हुए यह विचार करते हैं कि जो समुद्र है वो इतना विशाल है, इतना अगाध है कि इसका पार कर से पार कर पाना तो बड़ा असंभव जैसा लगता है। राम का भी ऐसा ही विश्वास था, वैसे तो संभवतः राजनीति की दृष्टि से जब युद्ध के पहले रावण ये निर्णय करता कि स्वयं क्यों न समुद्र को पार करके बंदरों की सेना पर आक्रमण करे, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसके पीछे उसकी एक मनोभावना थी कि जो समुद्र है इसको पार करना क्या संभव है, क्या हम सेना लेकर के युद्ध करने के लिए उस पार जाएं, हम तो इस पार इतने सुरक्षित हैं कि हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। और श्री भगवान श्री राम भी यही कहते हैं कि समुद्र तो दुर्लंघ्य है, इसे पार कर पाना संभव नहीं है, पर इसे पार तो करना ही है और आप यह बताने कि इसे कैसे पार किया जाए। आपके साथ संदर्भ आपके सामने दो दिनों से जो बात कही जा रही है और इस बार उसका केंद्र बिंदु जो विश्लेषण का है वो है कृपा और पुरुषार्थ। हम
हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि रामचरितमानस का जो दर्शन है वो दर्शन यही है, उसमें कोई एक पक्ष का समर्थन और दूसरे का विरोध नहीं, उसे हम समन्वय की दृष्टि से देखते हैं। और यह बताने का बार बार अनेक घटनाओं के द्वारा प्रयास किया गया कि कृपा और साधना या पुरुषार्थ ये कोई परस्पर विरोधी नहीं है, व्यक्ति के जीवन में इन दोनों की आवश्यकता है। ये जो प्रसंग है इसमें इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही अनोखे रूप में दिया गया है, तब आप पूरी एकाग्रता से सुनकर उसे समझ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने सुना कल और परसों जो सुनते रहे हैं कि रामचरितमानस का एक रूप तो वह है जो ऐतिहासिक है, और उस ऐतिहासिक प्रसंग में इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता था कि समुद्र पर पुल का निर्माण करके लंका पर विजय प्राप्त की जा सके। किंतु इसके पीछे जो दो भिन्न विचार है और जिसका प्रतिनिधित्व विभीषण और लक्ष्मण करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। और एक बात मैं आपसे बता दूं कि भगवान श्री राम ने अपने चरित्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको परिवर्तित किया हो, बदला हो। बड़ी विचित्र सी बात लगती, हम जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो ये कहा करते हैं कि वो तो उन्होंने समाज को या व्यक्तियों को बदल दिया, पर रामचरितमानस का जो दर्शन है वो बड़ा अनोखा है। और उसका प्रमाण यही कि जितने पात्र आपको मानस में दिखाई देते हैं और जिन पात्रों का संबंध भगवान राम से है, क्या वो श्री राम के संबंध में उनसे जुड़ करके बदल गए क्या? ऐसा नहीं। और इसके पीछे रामचरितमानस का दर्शन बड़ा समझने योग्य है, और वो ये है कि संसार में जैसे अनगिनत पुष्प हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, और उनकी रचना ऐसी हुई है, किसी में पुष्प है तो सुगंध है, किसी में सुगंध नहीं है, फलों के संदर्भ से भी भिन्नता है, तो भगवान श्री राम की यह जो मान्यता है वो बिल्कुल यथार्थ। वस्तुतः व्यक्ति परिवर्तित बाहर से भले ही होता हुआ दिखाई दे, पर वो व्यक्ति भीतर से बदल सकता नहीं। और उसका कारण यह है कि जिसको हम स्वभाव के रूप में जानते हैं, आप कहते हैं इनका तो स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाव शब्द एक बड़ा अनोखा शब्द है, और इसके परिवर्तन के लिए लोग प्रयत्न करते हैं कि भाई सामने वाले का स्वभाव बदल जाए। अपने स्वभाव के बदलने की चिंता तो शायद कम लोग करते हैं, पर दूसरों के स्वभाव को बदलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। किंतु रामचरितमानस में भी और हमारे इतिहास में भी और ग्रंथों में भी यह बताया गया कि जो स्वभाव है इसका बदलना अत्यधिक कठिन, असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। और इसीलिए वह प्रसिद्ध वाक्य जिसमें कहा गया स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव तो बदलने वाली वस्तु है ही नहीं। और रामचरितमानस में तो यहां तक एक बात कही गई कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति संतों के समीप बैठे तो स्वाभाविक है कि जब वहां पर अच्छे कार्य हो रहे हैं तो जिस समूह में आप रहेंगे आप वो कार्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित होंगे, करेंगे, पर वहां भी एक सूत्र समझने होंगे। और वो सूत्र क्या है कि खलम करई भल पायु समूह, दुष्ट व्यक्ति भी इस संग पा करके अच्छे कार्य तो करने लगता है, किंतु मिटेन मलिन स्वभाव अभंग, भीतर से उसका स्वभाव बदलता नहीं, वो
तो उसको मणि मणि वैज्ञानिक व्याख्या वो की गई। उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भारतीय दर्शन सनातन धर्म में केवल एक ही जन्म के रूप में तो देखते नहीं, और पूर्व पूर्व जन्मों से व्यक्ति के अनेक जन्म होते रहे हैं ऐसी मान्यता है। तो अब हम जब किसी की व्याख्या करेंगे, जैसे आज भी होता है, आजकल भी जो मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो मानसिक रोगों की चिकित्सा करते हैं, तो उनकी चिकित्सा में बहुधा एक नियम है उनका कि वो रोगी को सामने बैठाते हैं और बैठा करके फिर उससे प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के साथ साथ का संस्मरण भी पूछते हैं, आपके लड़कपन से लेकर के अब तक जो खास घटनाएं हुई हो उसे आप सुनाइए। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उनकी मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी गहराई से बाल्यावस्था में जो बातें बैठ जाती हैं, बैठा दी जाती हैं, उसी का परिणाम युवावस्था में और बाद में सामने आता है। किंतु सनातन धर्म के रूप में जो चिंतन वो है वो ये है कि नहीं, बाल्यावस्था ही नहीं, बाल्यावस्था से पहले भी उस व्यक्ति का जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो आप बाल्यावस्था में ढूंढते हैं वो अपने स्थान पर बात ये हो सकती है सही, पर अधूरी बात है। सत्य तो यही है कि वस्तुतः है इसके लिए मेरे पत्रिका में गोस्वामी ने वाक्य लिखा, कठिनाई ये है स्वभाव को लेकर के कि आपका अगर कोई ऐसा स्वभाव बन जाए और वो दीर्घ काल से बना हुआ हो, और तब उसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि आप अपने साधारण आदतों को भी बदल नहीं पाते, और इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह जनित मल्लाग विविध विध कोटि ही जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। और ऐसी स्थिति में स्वभाव का अगर पूर्व पूर्व जन्मों से संबंध है, तो इस जन्म में मान लीजिए प्रवचन कोई सुने, भाषण सुने, और उसको सुन करके ये सोचने लगे कि इससे मेरा स्वभाव बदल जाएगा, तो शायद ये आशा नहीं पूरी हो सकती। लेकिन भगवान श्री राम की विलक्षणता क्या है कि जो व्यक्ति जैसा है वो उस व्यक्ति को बदलने के स्थान पर उसको ऐसी दिशा दे देते हैं कि उसके चाहे वो गुण और चाहे दोष हो सबका सदुपयोग हो जाता है। अब वो 9 दिन की व्याख्या तो 9 दिन में संभव नहीं है, पर अब जैसे दृष्टांत के रूप में पात्रों में देखें, और यहां पर भी यही है कि भगवान राम के प्रिय भाई लक्ष्मण और लंका से आए हुए विभीषण दोनों के स्वभाव में कितनी भिन्नता है, दोनों कितना अलग अलग ढंग से सोचते हैं, और भगवान श्री राम उन दोनों को महत्व देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें कमी है इसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए, अपितु ये देखते हैं इसके स्वभाव का क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अब इस संदर्भ से बहुत विस्तार न करके यूं कहें कि बाली और सुग्रीव दो भाई, पर दोनों के स्वभाव में बड़ी भिन्नता। सुग्रीव इतनी पलायनवादी प्रवृत्ति के हैं, भागने वाले, कि सामना ही नहीं कर पाते घटनाओं का, भाग खड़े होते। और बाली एक ऐसा व्यक्ति है कि कभी किसी चुनौती से नहीं भागता है, किसी की चुनौती को भी स्वीकार करता है। पर भगवान श्री राम ने देखने में बाली के ऊपर प्रहार किया, लेकिन अंततो गत्वा उन्होंने बाली को भी महत्व दिया, सम्मान दिया, और अंगद के रूप में बाली को ही उन्होंने अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। तो ये जो एक सूत्र है उसका तात्पर्य यह है कि हमें बदलने की इतनी आवश्यकता नहीं, अभी तो आवश्यकता है कि जो हमने है उस होने को हम कैसे सही दिशा में उसका उपयोग करें। इस प्रसंग में भी आपको ये मिलेगा, भगवान श्री राम से भीषण जब ये कहते हैं तो भीषण जी बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, और वो लंका में रावण के यहाँ रह चुके हैं, लंका में रावण के भाई के रूप में, और रावण के भाई के रूप में रहते हुए
उन्होंने यद्यपि उनकी विचार रावण से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्होंने कोई कभी विरोध किया हो ऐसा वर्णन नहीं आता। मन उनको एक रावण के प्रति उनके मन में भी भय समाया हुआ कि हम रावण को रोक तो सकेंगे नहीं और अनावश्यक रूप से रावण हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएगा। तो ये जो उनके अंतःकरण में रावण का भय और आतंक समाया हुआ है, उसका स्वाभाविक परिणाम है कि वो एक निरंतर समझौते या निरंतर जो है झुक करके किसी प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसी उनकी धारणा है। तो अब विभीषण जब ये कहते हैं कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए, तो और लक्ष्मण जी उनका स्वभाव तो तेजस्विता की सीमा नहीं, प्रकाष्ठा। अब ये जो तेजस्वी लक्ष्मण है और विनय युक्त विभीषण है, भगवान राम की महानता क्या है? क्या भगवान श्री राम दोनों को समान महत्व देते? और उसका सबसे बड़ा बड़ी सफलता क्या होगी कि लक्ष्मण उनके अपने भाई हैं और सारे अयोध्या के वैभव का परित्याग करके कपड़ों की सेवा में आजीवन संलग्न है। वन में भी 14 वर्ष तक वे रह चुके हैं। अब इतने विश्वस्त भाई का एक और श्री राम के प्रति प्रेम, और जहां तक विभीषण की बात है, विभीषण जी तो अभी कुछ घंटे पहले ही भगवान राम की शरण में आए हुए और वो इतने अविश्वस्त दृष्टि से देखे गए वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरित मानस में भी, क्या लोग विभीषण पर विश्वास नहीं कर पाते। मैं ऐसा करता हूं कि आप इस स्थान में पर ध्यान देंगे, और रामायण में इसका वर्णन आता है कि जब विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं और बंदरों के द्वारा रोके जाने पर, जब बंदर ये कहते हैं कि आपका परिचय क्या है, और वे कहते हैं कि मैं तो रावण का भाई हूं, और रावण के भाई के होते हुए भी मैं प्रभु की शरण में आया हूं, तो संदेह की दृष्टि से ये बात दिखाई देती है। उसका कारण भी है, कई एक तो यही लगने लगता है कि अगर ये विभीषण सचमुच लंका से रावण से विद्रोह करके यहाँ आता तो क्या रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इसको यहाँ आने देता क्या? वो तो कारागार में डाल देता, मृत्युदंड दे देता, और उन रात के अंधकार में विभीषण जी छिप करके नहीं आए थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी शरणागति को बहुत संदिग्ध दृष्टि से देखा गया और स्पष्ट है उन्होंने रोक दिया, और रोक करके भगवान श्री राम से या सुग्रीव से जाकर निवेदन किया कि लंकेश रावण का भाई आया हुआ है और उसका ये कथन है कि मैं शरण में आया हूं, उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु समझ गए कोई समाचार आया हुआ है, और उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि मित्र सुग्रीव क्या समाचार है? और सुग्रीव जी ने श्री राम से सूचना को सुनाते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि स्पष्ट हो गया कि वो विभीषण पर जरा भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने पहला वाक्य तो यही कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, रावण के अनेक नामों में से एक नाम दशानन है, मानो दस मुंह वाला। और एक कहावत है ना हिंदी में, हिंदी भाषा बोलते हैं, कोई व्यक्ति अपनी बात करके बदल जाए तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा एक मुंह है कि दो मुंह, मैंने जो बात बदल जाए मैंने उसका दो मुंह। तो सुग्रीव का तात्पर्य है कि जब दो मुंह वाला बदल सकता है तो दस मुंह वाले का क्या ठिकाना, किस समय कौन सा मुंह बोल रहे कौन से उसका हो, तो दशानन का भाई। और उसके बाद फिर वही मतभेद सामने आया। तो आपको क्या लगता है, विभीषण का सुग्रीव का तर्क ये है कि महाराज जाने न जाए निशाचर माया, राक्षसों की माया तो समझ में नहीं आती है, और काम रूप के ही कारण आया। राक्षस अपने वेद बदलने की कला में बड़े मायावी होते हैं, पता नहीं क्यों आया हुआ है। और मेरा तो स्पष्ट मत है कि यह तो रावण के द्वारा भेजा गया है और यहाँ भेद लेने के लिए आया हुआ। रावण इतना बड़ा राज्य का स्वामी होकर नीति में इतना नीति शून्य नहीं हो सकता है कि अपने विद्रोही भाई को ये छूट दे दे कि वो चला जाए। तो स्पष्ट है कि
क्या रावण ने एक नाटक रचा है कि तुम शरणागत बन करके जाओ और जा करके राम की सेना के सारे भेद धीरे से पहुंचाते रहो। तो महाराज मैं तो स्पष्ट यही समझता हूँ कि आप इधर बंदी बना लीजिए, इसे राखी बाज मोहे ऐसे बाबा। और तब भगवान श्री राम की जो शैली है जिसको समन्वय की बात कह सकते हैं, भगवान राम ने यही कहा, सखा नीति तो मुख विचारी, मित्र तुमने बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो, तुमने बहुत अच्छा विचार किया, आगे चल करके पूरा खंडन करने वाले, सुग्रीव के मत को स्वीकार भी नहीं करने वाले, पर प्रभु का स्वभाव यह है कि वो जब प्रारंभ करते हैं तो विरोध से नहीं, सहमति से। बोले तो यहां तक तो हमारे तुम्हारे विचार एक ही, अब आगे फिर देखे। तो यह भी प्रभु ने कहा कि सखा तुम नी सखा नीक नीति तुम नीक विचारी। पर अब उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया, क्या तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे जीवन का एक व्रत है और यह है कि जब भी कोई शरण में आता है तो कैसा भी कौन हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, मम तन शरणागत व्यहारी। तो तुम्हारे और मेरे मत में अंतर है और दो मतों के अंतर के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी आप भी लंका नहीं गए, मैं भी नहीं गया हूं, हम लोगों से पहले कभी भीषण से मिलन नहीं हुआ, तुम्हारी यह धारणा है कि भीषण जो है बढ़िया है बुरा है, और मेरी धारणा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। तो कोई भगवान राम का समर्थन तो कोई वहां मिला नहीं, कोई प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देख रहा है। जामोहन भी वाल्मीकि रामायण में तो विस्तार से आता है कि एक व्यक्ति ने भी समर्थन नहीं किया कि भीषण को शरण में लेना चाहिए। और तब प्रभु की विलक्षणता क्या है, विरोध सुन करके उनको क्रोध नहीं आया, हमारे मत के विरुद्ध कोई बात न कह दे और न माने तो क्रोध आ जाता है। पर गोले गोस्वामी जी कहते हैं खूब हंसे, विरोध सुन करके हंस रहे हैं। और फिर हनुमान जी की ओर देखा, अब मेरा समर्थक तो कोई नहीं है, पर अब लंका में तुम जा चुके हो तो सुग्रीव का भी अनुमान है और मेरा भी अनुमान है, पर तुम्हारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तुम बताओ ये कैसे है। ये व्यह से किताबी में गोस्वामी कहते हैं कि ये व्यह से कहा तो हनुमान सो सुहृद साधु सुचि सरल विभीषण जाने पर हनुमान सो। और हंसने में एक तात्पर्य भी था कि शरणागत की महिमा और सुग्रीव को विभीषण को शरण में आने की प्रेरणा जिन्होंने दी है तो हनुमान जी। तो हंसने का तात्पर्य यह है कि निमंत्रण तो दिया है और यहां प्रस्ताव आया कि बंदी बना लिया जाए तो बोलना तो चाहिए, पर हनुमान जी तो प्रभु के भक्त हैं और उससे बढ़ के बोलने में चतुर कौन होगा। उन्होंने नहीं कहा कि महाराज सचमुच आप ठीक कहते हैं, विभीषण अच्छे कह सकते थे, पर उन्होंने कैसी सुंदर बात कैसे ढंग से कही। सुग्रीव कहते हैं रेडिया है बंदी बनाने योग्य है और से प्रभु को लगता है कि नहीं ये शरण में लेने योग्य है, पर हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि विभीषण की सज्जन है, बल्कि कहने क्या लगे, बोले महाराज मैं तो समझता हूं कि विभीषण के विषय में प्रश्न ही नहीं किया जाना चाहिए कि अच्छे हैं कि बुरे, क्यों वो लोग तो खोटे खरे की परख करते हैं और खोटे को निकालते हैं और खरे को रख लेते हैं, पर आप भी यदि वही करें तो आप क्या विशेषता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, तब मैं कहूंगा अच्छा है अच्छे हैं चाहे बुरे हैं चाहे जैसे हैं, लेकिन खोटो खड़ो सभी तो पालिए सो स्नेह सन्मान। जब आप शरणागत वत्सल है तो शरणागति में क्या व्यक्ति के योग्यता को देख करके शरण में लिया जाता है क्या। वही दृष्टान्त दे है, मनु का तात्पर्य था कि शरणागति न्यायालय है कि औषधालय, तो न्यायालय में तो निर्णय होता है कि क्या सही क्या गलत, पर औषधालय में अगर वैद्य रोगी से पूछ दे कि आप स्वस्थ तो है आपको कोई बीमारी तो नहीं है
डॉक्टर पूछ दे तो वो तो मुझे यही सोचेगा कि स्वस्थ होता तो आपके पास आते क्यों, आना इसलिए पड़ा है कि हम अस्वस्थ हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर ये बुरे हुए हैं तो आप के तो इसी के लिए उपयुक्त तो होगा कि स्वीकार करें। और तब भगवान श्री राम वहां पर मुझे सावधानी और कहा कि तुम्हारे मत में और मेरे मत में भिन्नता है, हनुमान अलग बात कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों की ओर से एक एक प्रतिनिधि जाए और फिर देखें कि वे कैसे हैं, वैसा गौर करें। इसलिए लिखा हुआ है कि भगवान राम ने अपनी ओर से लक्ष्मण जी को भेज दिया और सुग्रीव से कहा कि मैं समझता हूं कि आपकी ओर से अंगद को जाना चाहिए, इसलिए उभय भांति ते आनव हंस कह कृपा निकेत। और इस तरह से मानो भगवान राम विभीषण को शरण में स्वीकार करते हैं। अब आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए, भगवान राम पूछते हैं समुद्र को कैसे पार किया जाए और विभीषण कहते हैं कि अनशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रामायण तो में तो आता है कि जब सुक और सारण ने ये समाचार पूछा, वो तपस्वी इस समय क्या कर रहा, मतलब वो तो समुद्र के किनारे अनशन कर रहे हैं। और सुक और सारण ने एक बात को जोड़ दिया कि आपके भाई की बात को मान करके, और इसको सुनते ही रावण खूब हंसा, बोले इसीलिए तो मैंने भेजा ही था, मैंने जान में क्या कोई नीति का मैं गया था नहीं, बहुत अच्छा पता चल गया बाहर ये तपस्वी लड़ने आया हुआ है। और सागर सल थानी मचल आई, बच्चे जैसे मचल पड़ते हैं माँ से पिता से ये खिलौना चाहिए, समुद्र से मार्ग मांगने वाला व्यक्ति और वो मचल रहा है, अनशन कर रहा है। और कहा कि मेरी योजना सफल हो गई। क्या बोले सचिव सभी तो विभीषण जाके विजय विभूति कहा लेगी ताकि रावण जैसा मंत्री जो जहां हो उसने कहा कि ऐसा लगता है कि अयोध्या के इस राजकुमार को राजनीति आती ही नहीं, और उसने हमारे भाई की बात को प्रामाणिक मान करके और अनशन करना शुरू कर दिया। पर उसका मूल तत्व तो क्या है, इसको जरा अंतरंग अर्थों में विचार करके देख। आगे चल करके सेतु का वर्णन, तो सेतु का अर्थ स्वस्थ है, बड़ा उसका बड़ा उपयोगी होता है। नदी में अगर सेतु बन जाए तो आर पार जाने और आने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो जैसे कि नदी में उसी तरह से समाज में भी व्यक्तियों में दूरी है, विचारों में दूरी है, उनमें मतभेद है, और सेतु की विशेषता ही होती है कि दोनों किनारों को जोड़ता है। तो उसका सूत्र यह है कि भगवान राम ने सेतु तो उसी समय बना दिया, कैसे विभीषण और लक्ष्मण के बीच में उन्होंने जिस समन्वय का को स्वीकार किया, ये उनकी सेतु रचना का एक महान प्रमाण है। और फिर वहां पर अब उसके अंतरंग में कृपा साधना पुरुषार्थ इनके तत्व पर दृष्टि डालिए। कृपा और पुरुषार्थ दोनों में कौन सही, और तब उसका उत्तर वही कि एक जो अत्यंत नन्हा बच्चा है, क्या कोई माँ यह आशा रखती है कि वो बच्चा पुरुषार्थ करे, क्या वो ये सोचती है कि इसको भोजन में दूध तब पिलाऊंगी जब कुछ करे धरे तो दिन रात पड़ा पड़ा सोया करता है। क्यों बालक जो होगा उससे जो व्यक्ति पुरुषार्थ की आशा रखे वो उसे हम बुद्धिमान नहीं कर सकते। और इसका अभिप्राय है कि बालक जो है कहो तो निश्चित रूप से माँ का वात्सल्य और माँ की कृपा के द्वारा ही वो उसका पालन पोषण होता है। लेकिन वही बालक जब आगे चल करके किशोर हो जाए और जब युवा हो जाता है तो परिवार में क्या चेष्टा की जाती है। बाल्यावस्था में जैसे बालक सोया रहता है और जितना सोवे वो प्रसन्नता होती है, अगर वो उसी तरह से बाद में भी सोने लगे तो उसको निकम्मा का करके उसको बार बार धिक्कारा जाएगा, पड़े पड़े सोए सोए रहते हो कुछ करते धरते हैं। अब उसको मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे कि बालक की अनुभूति में जो आप जीवन में देखिए
एक स्थिति उत्पन्न होती है कि जिसे हम सामर्थ्य की स्थिति कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कोई न कोई योग्यता ना हो और कोई न कोई सामर्थ्य ना हो, पर यह भी सत्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है कि जिसमें किसी न किसी प्रकार की असमर्थता ना हो। और ये जीवन में और आप अनुभव भी करते होंगे, कभी आपको लगता है कि ये कार्य हम कर लेंगे, सरलता से कर लेंगे, प्रयत्न और पुरुषार्थ से कर लेते हैं, पर कभी आपको लगता है कि ना ये तो संभव नहीं। अभी जो सामर्थ्य और असामर्थ्य है, यही तो व्यक्ति का जीवन है, सत्य है। और ऐसी स्थिति में अगर हम समर्थ की बस उसको रामायण का दर्शन यह है कि सामर्थ्य का भी सदुपयोग होना चाहिए और असमर्थता का भी उपयोग होना चाहिए। और यहीं पर आकर के जब आप समर्थ हैं तो प्रसाद कीजिए और असमर्थता का अनुभव हो तो कृपा की पुकार कीजिए। दोनों को ही आप जीवन में उचित समय पर यदि स्वीकार करते हैं तो आप कहीं भी घाटे में नहीं रहेंगे। अगर आप पुरुषार्थ को ही सम्मान लेंगे तो असफलता होने पर आप टूटे बिना नहीं रहेंगे। और यदि आप केवल कृपा को ही मान लें तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, तमोगुणी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। इसलिए रामचरित मानस का दर्शन यही है और इसी का संकेत आप इस रूप में विचार करके देखिए। उसके कई दृष्टांत रामायण में दिए गए। एक दृष्टांत है धनुष और बाण का। जब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस लंका की यात्रा में कितना बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है व्यक्ति के द्वारा उसके दृष्टांत जो है हनुमान जी महाराज कितने विघ्न आए, कितनी विपत्तियां आई, पर हनुमान जी रुक तो नहीं है और उन विघ्नों को पार करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते हुए वो लंका में पहुंच जाते हैं। तो सामर्थ्य की पराकाष्ठा है हनुमान जी की, पर सामर्थ्य की पराकाष्ठा है तो पर उसके बाद दूसरा पक्ष आता है और दूसरा पक्ष ये है कि वे समुद्र को मिलांग गए। लंका को उन्होंने ऊपर से भी देख लिया और लंका के प्रत्येक घर में बैठ करके उन्होंने भीतर भी जाके देखा। पर यहीं पर हनुमान जी को अपने जीवन में असमर्थता का अनुभव हुआ। कितनी बड़ी बात है का साक्षात शंकरावतार हनुमान जी को भी अपने जीवन में असमर्थता का बोध कभी होता है, कभी न कभी होता है। और आप कभी असमर्थ होते ही नहीं तो शायद आप न समय होंगे। गोस्वामी जी ने कहा विनय प्रतिभा में, भरोसो आई है और ताके जो कहीं लगो लहो स्वामी से सेवक कह अपने बल जाके। और अगला वाक्य मैंने कह कली काल कठिन नहीं सूझत मोह मार मद छाके। या किसी ने शराब पी लिया होगा, अभिमान की शराब पी लिया होगी। इस अभिमान की शराब के नशे में जैसे वो प्रसिद्ध गाथा है और रामायण में भी इसका बार बार प्रयोग किया गया है, भय सकल सब जीव सुखारे जिन मद उतर गए मतवारे। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो नशे में वो तो जो वास्तविकता है का वो उससे अलग हट जाता है। वो प्रसिद्ध गाथा है कि आया हाथी पर बैठा हुआ आ रहा और कोई शराब पी करके व्यक्ति शहराजी मतवाला हो रहा और राजा को देख करके उसके मन में और एक बात आ गई। उसने कहा ओ हाथी वाले, हाथी बेचेगा? वो पास वाले सिपाही थे, मारो उसको, महाराज से कह रहा है। पर बुद्धिमान राजा ने कहा कि देखा वो कहा ये रहते, देखा है। और जब प्रातः काल हुआ तो राजा ने कहा सैनिकों से कि वो सामने उस व्यक्ति का घर देखा हो उसको बुला ले आओ। बुला करके लाया गया। जब राजा के दरबार में भेजा तो राजा ने कहा कि रात्रि को तुम हाथी खरीदने की बात कर रहे थे, उसने सौदा नहीं उठाया, अब हो जाए? तो बेचारे ने तुरंत सही बात कह दिया, महाराज हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया। तो अब नहीं वो दशा जो है हम क्या आपसे हाथी मैं तो ऐसा कहने की भी दुष्टता नहीं करता। कितना भी समर्थ कोई व्यक्ति हुआ है इतिहास में जिसने ये मानने की भूल कर दिया कि सामर्थ्य और पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है,
वो शायद नशे में होगा। मैं फिर कहते हैं सर, कई लोग कहते हैं नेपोलियन ने कहा है कि असंभव शब्द शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा कि किसका वाक्य है नेपोलियन का? मैंने कहा कि उसका अंतिम जीवन कैसे व्यतीत हुआ था पता है? किस तरह से वो बंदी बन करके, किस तरह से वो जीवन को उस यातना की स्थिति में व्यतीत किया? मानो शब्दकोश से शब्द आप भले ही निकाल दीजिए, आप भले ही दावा कर दीजिए कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ कैसे है? पर पुरुषार्थ का महत्व तो है, ये तो स्पष्ट ही है कि समुद्र को पार करने में जो सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य जो है अन्य बदलव नहीं, जो लाभी सत जो सागर करे सो राम काज मति आगर। और हनुमान जी को वो प्रेरणा देते हैं, ये जामोहन जी यही तो कहते हैं कि जामोहन तक सिंह हनुमाना का चुप सागर बलवाना, पौन तमय बल पौन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान ने धाना। हनुमान जी स्वीकार करते हैं होइए काज मुझे हर्ष विषय की, मुझे उत्साह मन में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया समन अशगुन बताए गए, और उसमें ये कहा गया कि सबसे बड़ा सगुन जो है वो मन का उत्साह। अंगिरा ऋषि से पूछा गया है कौन सी वस्तु को देखे यात्रा में तो उसको सगुन माने, तो उन्होंने कहा कि अंगिराचन मनोत्साह, आपके मन में उत्साह हो तो समझ लीजिए सबसे अच्छा मुहूर्त है, अगर उत्साह नहीं है तो आपका मुहूर्त अच्छा नहीं। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग, हनुमान जी का वाक्य ही तो है कि आप लोग समुद्र के किनारे जामवान तक, हनुमान जी ने ये बंदरों से कहा यही कहा कि होइए काज, मुझे विश्वास है कि कार्य होगा। क्यों, कैसे मालूम, कैसे पता? बोले मुझे हर्ष से, मुझे उत्साह की जो अनुभूति हो रही है वही ये बता रही है कि कार्य होगा। और कितना बड़ा पुरुषार्थ, पग पग पर जहां पर विघ्न आ रहे हो, परीक्षा ली जा रही हो, और हनुमान जी उन विघ्नों को पार करके लंका पे पहुंच करके जनक नंदिनी की खोज करते हैं, यह जो है मानव पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। लेकिन जब हनुमान जी सीता जी को नहीं खोज पाते तो उस संग्रह को जोड़ करके आप विचार करके देखें, सीता जी ये शांति है तो आप कोई भी पुरुषार्थ करके शांति को पा नहीं सकते। शांति सुख की वस्तुओं को आप पुरुषार्थ से पा सकते हैं, पर शांति कभी भी आप वस्तुओं के संग्रह से और सुख की सामग्री से कैसे शांति पालेंगे? और यही सूत्र दिखाया हनुमान जी के चरित्र के द्वारा नारायण ने, तो हम लोगों को एक संकेत और संदेश दिया गया कि इतना बड़ा समर्थ व्यक्ति भी निराश हो गया, कहीं तो सीता जी का पता नहीं चल रहा, और उस समय जो घटित हुआ इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। ये नैमित्तिक ये संकेत है, आप सामर्थ्य का प्रयोग कीजिए और सामर्थ्य जितना है उतना करिए, और उस पुरुषार्थ के द्वारा आप न जाने क्या इतने अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो असंभव लगते हैं, लेकिन जब लगने लगे इतना प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के बाद भी संत रूपा सीता का दर्शन नहीं हुआ, भक्त रूपा सीता जी की प्राप्ति नहीं हुई, तब उसका वही तो रह जाता है। हनुमान जी को लगा अब क्या करूं, और अब क्या करूं तो सबको उत्तर मिलेगा। जब वो पुरुषार्थ की सीमा तक पहुंच गए तो उसके बाद हनुमान जी को एक भवन दिखाई देता, और वो भवन विभीषण का है, और विभीषण के भवन के पास हरि मंदिर है। अब यदा विभीषण के जीवन पर विचार कीजिए, विभीषण लंका में रह करके अगर भक्ति कर पाते हैं तो क्या अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर पाते हैं? क्या रावण को हरा करके अपने मन की बात को पूरा कर लेते हैं? क्या नहीं, पर उस लंका में रह करके भी यदि वो भगवान की भक्ति और भगवान के ध्यान में लगे रह सके तो प्रभु की कृपा ही है, इसमें विभीषण का कोई पुरुषार्थ नहीं। उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को उत्पन्न कर देना यह तब संभव होता है जब ईश्वर की कृपा हम पर अनुकूलता से स्वीकृत कर पाए, और इसलिए लिखा हुआ है
कि जब हनुमान जी ने दृश्य देखा क्या भवन एक पूरे दिख सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा। हनुमान जी ने सारे लंका में मंदिर ही मंदिर तो देखे, पर आश्चर्य हुआ इस लंका में हर मंदिर कहां से आ गया। यहां तो देव मंदिर है, देव देवता है, देव देवता की पूजा है, ये हर मंदिर भी यहां हो सकता है क्या? संदेह हो गया। लंका निश्चर निकल निवासा, यह कहां सज्जन कर बासा। और तो बड़े विचारक है, मनमह तरक करेंगे कपिलागा। बस उसी समय अब का ही समय विभीषण जागा, भीषण जी की नींद खुल गई और राम राम ते सुनर्ण कीना। जब राम राम शब्द सुनाई पड़ा और स्वर में इतना अधिक भक्ति भावना परिप्लुत दिखाई पड़ी कि हनुमान जी ने सोचा मैं व्यर्थ ही मान बैठा था कि लंका में कोई संत नहीं होगा। क्यों बोले संतत्व का संबंध अगर पुरुषार्थ से ही होता तो कहां हो और कहां ना। पर भगवान की कृपा, कल बात जो आपके सामने कही गई थी, पुरुषार्थ गणित है जो जिसमें नियम है और कृपा गणित रहित है जिसका कोई नियम नहीं। कब कहां कैसे किस रूप में कृपा होगी इसका वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। इतने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों पर उनकी कृपा हो जाती है कि वो निश्चय करना है। इसलिए गोस्वामी ने तो भगवान से निवेदन कर दिया, गोस्वामी जी बैठे हुए और चौराहे पर बैठे हुए, आप किसी से मिलने जाएंगे तो आप उस मार्ग पर जाएंगे जहां आपके मित्र का घर है। पर हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप यहां क्यों बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा के लिए बैठा हुआ। तो कृपा के लिए क्यों बैठे हुए हैं, चले जाइए, कृपा कृपा तक यात्रा कीजिए और कृपा को पा लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा यह पता अगर होता कि कृपा इसी रास्ते से आती बचल पड़ता, पर वो किस रूप से किस रास्ते से आ जाए पता नहीं चला, तो मैं बैठ गया हूं चौराहे पर कि इधर से भी आवेगी कृपा हम उसे पहले। तो समझ का बैठते महाराज ये जो हो सो कौन विधि से दयालु जाने में जात, नाथ कृपालु को पंथ चितवत हो दिन रात। मैं तो देन हूं, मैं जानता नहीं कि आपके कृपा क्यों होते हैं, बस हो रीझ कर सो नहीं जानी पर। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को ज्योत पंथ करो। बस ये जो कृपा की अनुभूति है वही व्यक्ति को निराश नहीं होने देती। पुरुषार्थी व्यक्ति सीमा में पहुंचकर निराश भी हो सकता है, आत्महत्या भी हो सकता है, पर जिसके जीवन में पुरुषार्थ के साथ कृपा की अनुभूति है वो जानता है कि अच्छा हमारे कृपा की सीमा समाप्त हो गई पुरुषार्थ की, तो अब तो कृपा के द्वारा ही हमारे जीवन का ठीक ठीक पालन पोषण होगा। और देखिए ना, लंका में राक्षसों की नगरी में एक ऐसा महान संत निकल आया कि जिसके बिना बताए हनुमान जी सीता जी को नहीं खोल पाए। युवती भी विशेष सकल सुनाई चाहे कौन सुत विदा कराए। याद रखिएगा ये दो महान पात्र हैं जिन पर ध्यान शायद आपका न गया, और वो दो पात्र हैं शबरी और आगे चल करके त्रिजटा। शबरी जिनसे भगवान राम ने पूछा कि सीता जी को मैं खोज रहा हूं उन्हें पाने का उपाय क्या है, और दूसरी नारी है त्रिजटा जो सीता जी के पास। शबरी और त्रिजटा को अगर आप ध्यान से देखें, शबरी की प्राप्ति तो मान लीजिए वो एक भिन्न रूप में हुई, पर लंका में और रावण ने जिन राक्षसियों को डराने के लिए नियुक्त किया का उसी में त्रिजटा को भी सम्मिलित कर दिया, और उसी त्रिजटा ने राक्षसियों के आतंक से जनक नंदिनी सीता को बचाया, आतंकित होने से रोका। इसलिए आप क्या कहेंगे, रावण त्रिजटा को नियुक्त करे जिसके मन में रावण के प्रति रंच मात्र प्रेम है ही नहीं। आप तो त्रिजटा के लिए कहा गया कि वो तो राक्षसी ऐसी है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका, मानो पग पग पर यह सूत्र मिलता है कि ये कृपा कहां मिल जाए।
और तो वो मिलेगा नियम से, जब जो सही रास्ते पर चलेंगे तो मिलेगा। पर कृपा भारत में, लंका में अच्छे बुरे सर्वत्र ही कृपा जो है व्यक्ति को प्राप्त हो जाती। लेकिन कृपा का जो वस्तुतः अनुभव है वो बिना असमर्थता के नहीं होता। और हनुमान जी को फिर वही हुआ, सीता जी की प्राप्ति सामर्थ्य से नहीं, पुरुषार्थ से नहीं, अभी तो कृपा से हुई। और इसीलिए आप देखेंगे कि हनुमान जी को माने बहुत से आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण निज सुतो, और अंत में कहा करें बहुत रघुनायक छोड़ो। पर हनुमान जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता किससे हुई, तो समझे के शब्द क्या बोले, करें कृपा, तो मैं तो थक गया था पुरुषार्थ करते करते, अब तो जो कुछ हुआ कृपा से हुआ, इसे करें कृपा प्रभु स्वीकारा निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मानो पुरुषार्थ की परिणति कृपा है, और उस समस्त पुरुषार्थ के बाद हनुमान जी गदगद हो जाते हैं कि मैंने तो आशीर्वाद दे ही दिया, और उसका अर्थ है कि बिना कृपा के जीवन में पूर्णता नहीं आती। इसलिए सूत्र यही है और रामायण में उसका पूरा विस्तार है। ये मंदिर क्यों है, कौन है, आपने पत्रिका में पढ़ी है, बंदर और भगवान राम, भगवान राम साक्षात ईश्वर है, और बंदर जो है देवताओं ने ही बंदर के रूप में जन्म लिया। अब बिनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता वो तो इतिहास में बंदरों के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे आपके जीवन में जो श्रेष्ठ विचार है पुण्य है सत्कर्म है वही निवालर है। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो बंदर है वो कैवल्य साधन सकल भाव मरकट कटक, तो ये मोक्ष के साधन जो है वो बंदर है। और भगवान आवश्यकता किसकी, भगवान की पुरुषार्थ की, व्यक्ति को साधन करना चाहिए कि केवल कृपा पर छोड़ देना चाहिए। इसे रामायण में सूत्र यही तो आता है कि भगवान राम लंका पर आक्रमण भी करते हैं तो बांधवों को लेकर, और सेतु ही बना तो बांधवों को आगे करके, और युद्ध में भी आप एक बात पाएंगे क्या कि भगवान राम का की सहायता बंदरों को भी कब मिलती, जब राक्षसों से पिटते हैं हारते हैं भागने लगते हैं तो भगवान राम कृपा करते हैं, कृपा करके उस समय उनकी रक्षा करते हैं। और मानो भगवान का सूत्र है तुम लड़ो, बाद में जो करना होगा वो मेरा काम है, पर तुम्हारा कार्य तो लड़ना है। अर्जुन से भी तुम्हें कहते युद्ध करो, युद्ध करने के बाद युद्ध से तुम कहो कि नहीं करूंगा तो तुम्हारी तीव्रता मानी जाएगी, पर तुम यदि युद्ध करते हो तो तुम्हें निश्चिंत होकर के करना चाहिए। यहीं पर भी सूत्र वही भगवान श्री राघवेंद्र यह बताना चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ और साधना के व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वह व्यक्ति असमर्थ हो जाता है और वह हनुमान जी उस कृपा को पा करके धन्य हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जो शब्द चुना बड़ा सुंदर है, हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, आकाश जो मेरा लंबा है, कोई वाहन नहीं कोई विमान नहीं है, हनुमान जी जा रहे हैं। आश्चर्य हुआ, हनुमान जी चले जा रहे हैं, कैसे चला गया, चले जा रहे हैं। और गोस्वामी जी ने वो शब्द कह दिया जो कृपा और पुरुषार्थ की बहुत अच्छी व्याख्या है, क्या बस बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी, जब कैसे बोले जीव अमोल रघुपति के बाना पाई भांति चले हनुमान। हनुमान जी प्रभु के बाण, आपने ध्यान दिया बाण पुरुषार्थ और धनुष कृपा, चलता हुआ तो बाण दिखाई देता है पर जो धनुष है उसी पर जितनी शक्ति वाण को दी गई है उतना ही आगे जा सकता है। हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की विशेषता केवल उनके पुरुषार्थ में नहीं है। हनुमान बल्कि अर्जुन को भगवान कहते तुम लड़ो निमित्त बनकर, बाण यदि सोचने लगे मैं चल रहा हूं मैं आकाश में जा रहा हूं तो शायद इससे बढ़कर के बाण का कोई अभिवेक नहीं होगा। और इसलिए इस प्रसंग में भी अगर दो विचार है, एक पुरुषार्थ और एक कृपा
तो प्रभु मुस्कुरा करके दोनों को स्वीकार करते हैं। नहीं, ईश्वर की सम्मति भी ठीक, लक्ष्मण तुम भी ठीक कहते हो, पर वो बाद में हम उसको देखेंगे, अभी तो नाटक को धीरे धीरे चलने दो। इस तरह से इसकी कृपा और पुरुषार्थ का समन्वय रामायण में सर्वत्र है और अगले दिनों में भी। आज तो प्रारंभ में बहुत कम श्रोताओं को देख के लगा कि कल की बात सिर से ऊपर निकल गई क्या, बहुत गंभीर हो गई क्या, लेकिन मैंने देखा कि लोग आ गए, शायद बेचारे किसी भीड़ भाड़ में फंसे होंगे। मेरी विश्वास है कि अगले दिनों में आप कृपा और पुरुषार्थ की बात को मानस में जिन अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है उसे सुनेंगे। बोलिए।